Today is historic day in Indian politics. Prime Minister Narendra Modi has introduced Women Reservation Bill in Lok Sabha. I am in Harpur to get the voices from the women who are working in villages as Pradhans, who are working in districts as district chief, who are working as a housewife and then giving time to politics. what they have to say about it you have been listening to the leaders you have been listening to the ministers let's listen to these common voices as well who represent the real women empowerment of our country आपका नाम बताइए मेरा नाम मनोरमा रघुवंशी है रमा जी आप खुश तो हैं कि 33% आरक्षण मिला जी मैं बिल्कुल खुश हूं और मैं सरकार का आभार प्रकट करती हूं और मैं नंदन अभिनंदन करती हूँ और इससे पहले भी कई बार बिल आया है लेकिन आज मोदी जी ने उस पर मोहर लगाई है तो इसलिए सभी महिलाएं खुश हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है खुशी है उनको इस चीज़ की कि महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत कार्य करे हैं है। खुशी इस बात की तो है कि चलिए तो अच्छी बात है आपको भी मौका मिल सकता जी, है बिल्कुल मिलेगा आ, आ, मुझे मिलेगा जी जी मैंने इलेक्शन लड़ा है धोलाना विधानसभा से 2012 में इलेक्शन लड़ा है मैंने लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ा था और अब मैं बीजेपी से अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर लड़ूंगी आपको लग रहा है कि इस बार जो तैतीस फीसदी आरक्षण में आपकी सीट आ जाए तो आपको टिकट मिलती जी बिल्कुल मिलेगा टिकट मुझे पूरी उम्मीद है कि टिकट मिलेगा क्योंकि हम लोगों के लिए मोदी जी ने मेरी सरकार ने इतना काम करा है देखिए गैस दिया है शौचालय दी है बहुत सारे महिलाओं के लिए काम कर रहा है जनधन टिकट मिलेगा की नहीं मिलेगा बिल्कुल मिलेगा टिकट मिलेगा तो अच्छी बात है की बीजेपी में उनको लग रहा है की जब 33 फीसदी आरक्षण होगा विधानसभा में तो आपको भी टिकट मिलेगा।, मिलेगा ये एक अच्छा एस्पिरेशन है एक आम महिला सोच सकती है की विधानसभा जा सकती है इस बिल से आ, आपका नाम बताइए मेरा नाम अलका निम है और मैं यहाँ नारी दहेज उन्मूलन संस्था चलाती हूँ और इस समय मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बिल लेकर के आए हैं ये बहुत ही सुदृढ़ तरीके से लागू किया जाएगा और इससे महिलाओं को आत्मशक्ति मिलेगी निर्भरता मिलेगी दूसरा सशक्त होने के लिए तैयारी मिलेगी जिससे महिलाएं जो अब केवल पंद्रह पी परसेंट हैं जो अब राजनीति में सक्रिय हैं इस समय जिन्हें जगह दी गई है लेकिन अब तैंतीस परसेंट होगी तो हम जैसे महिलाओं के लिए उम्मीदें बढ़ेंगी संभावनाएं बढ़ेंगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संसद में विधानसभा में बैठ कर के काम करें और महिलाओं की जो परेशानियाँ हैं जो उन्हें कमजोरियां हैं जो उनके काम है जो उन्हें स्वाभिमान बनाने में उन्हें उन्नति लगाने में आगे बढ़ाएंगे मैं इलेक्शन लड़ी कभी इलेक्शन मैं इलेक्शन नहीं लड़ी हूँ लेकिन मौका मैं मिला कभी कर रही हूं और आगे भी मैं कोशिश करती रहूंगी मौका मिलेगा जरूर मिलेगा अच्छा आपको लगता है कि एक जो सामाजिक बात करें और सच बात है ये बिल आया गया ताकि जो आम महिलाएं हैं वो आगे हो जाएं बड़े परिवार की महिलाएं नहीं आम महिलाओं को ही मौका मिले आप उसी उसी आम महिला का आम एक नेत्री है उसका चेहरा है मेरा कोई राजनीतिक परिवेश नहीं है मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूं और एक आम महिला हूं घरेलू महिला हूं आगे बढ़ के कार्य कर रही हूं इसलिए जब मोदी जी इस बिल को लेकर के आए बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि मुझे आगे बढ़ने का ऊंचाई पर जाने का मौका मिलेगा और देख रहे हैं ये सपना देखा जा देख रही जाए ऊंचाई पर जाने के क्यूँ मोदी जी ने ये तैतीस आरक्षण ला करके महिलाओं के अंदर जो एक प्रेरणा जगाई है भावनाएं जगाई है मैं उसको अपने सपने की तरह देख रही हूँ और महिलाओं के लिए मैं अग्रसर होकर काम करूंगी मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा महिलाओं की आवाज उठाऊंगी देखिए तो महिलाओं को लगता है कि तेतीस फीसदी आरक्षण मिला है तो उनको टिकट मिल सकता है शायद किसी कारण से नहीं मिल पा रहा होगा उस बारे में राजनीतिक चर्चा बाद में कर लेंगे आ, आपका नाम बताइए मेरा नाम दीपिका है दीपिका जी आपने जब सुना आप तो सारी पार्टियाँ साथ में कैसा क्या फील हुआ आपको एक महिला है आप भी सपना रखती है की आप भी कभी विधानसभा लोकसभा में जाए आ, क्या आपको लगता है कोशिश करी कभी चुनाव चुनाव का टिकट मिले आपको लड़े आप। बिल्कुल मैंने की मैं इस चीज को लड़ना चाहूंगी इलेक्शनों में पर सीट कंफर्म ना होने के लिए ना हुई उसकी वजह से मैं पीछे हो चुकी हूँ मगर अभी भी अब मेरे अरमान पूरा है कि मैं इलेक्शनों में आऊँ अपनी जो महिलाएं मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ हर तरीके से बेनिफिट रहना चाहती हूँ उन लोगों के लिए हाँ जी बिल्कुल आपको लगता है कि तैतीस फीसदी आरक्षण में समाजवादी पार्टी भी साथ है बस आपके जो मुखिया उनका कहना है कि पिछड़े दलित आदिवासियों को भी इसमें इनका भी ध्यान रखा जाए उनका अधिकार ना मारा जाए बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो आपको लगता है कि आप तेतीस फीसदी मिला है तो आपको भी मौका मिलेगा आप भी पार्टी के अंदर उभर करके आएंगे बिल्कुल मुझे भरोसा है अपने पे इतना कि मैं करना जो चीज मैं करना चाहती हूँ मैं करके आगे बढ़ सकती हूँ उस चीज को